दोस्तों, अगर आप गांव से होंगे तो आप भली भांति गांव से यानी गांव के जो स्थिति है उसके बारे में भली भांति जानते ही होंगे। गांव देहात में बहुत से लड़के हैं जो बाहर काम करने चले जाते हैं, यानी गांव में यानी काम जो होता है रोजगार वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो बहुत से लड़के यानी शहरों की ओर काम करने चले जाते हैं। बाहर काम करने जाने वाले जो लड़के होते हैं उनका जो सोच होता है वो घर आके कुछ न कुछ अपना जो है धंधा का है जो बिजनेस है वो करना चाहते हैं। यानी ऑलमोस्ट सभी जो लड़के हैं वही सभी लड़कों का यही सोच रहता है, अपना धंधा कुछ करेंगे गांव आकर, इस तरह से सोचते हैं। ऐसा ही सोच लेके एक लड़का जो मेरे ही गांव का है, जो एक लड़का ऐसे ही सोच लेके बाहर काम करने गया, यानी गया और कुछ पैसे रुपए कमा के वो वापस आया। करीब 1.5 साल रहा बाहर, उसके बाद वो पैसे कमा के वापस आया कुछ धंधा करने के लिए, कुछ बिजनेस करने के लिए। दोस्तों, उस लड़का को यानी कुछ पालन करना बड़ा शौक था, पशुपालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, इस तरह से वो करना चाहता था। बड़ा शौक था उसका और यही काम वो करना चाहता था और यही काम वो करने लगा है अभी। वो लड़का बाहर केरल काम करने जाता था और केरला में करीब 1.5 साल तक रहा था, तो 1.5 साल तक वो रह कर कमाया, करीब 1 लाख रुपए एकदम करेक्ट वो कमा कर घर आया। के बाद वो कुछ पालन करना चाहता था, तो इसमें उसका समस्या ये था कि कुछ पालन करने के लिए उसके पास जमीन नहीं था, यानी जमीन का टुकड़ा तो चाहिए कुछ पालन करने के लिए। वो लड़का जमीन के तलाश करने लगा गांव में ही, जैसे कोई खेती बाड़ी करता है वो सबसे यानी पूछताछ करके वो जमीन तलाश करने लगा कुछ पालन करने के लिए। तो वो उसका दिमाग में ये सूझा कि यानी कुछ लोग गांव में है जो यानी मौसमी खेती करते हैं अपने ज़मीन में, जैसे धान का मौसम हुआ तो धान का मौसम में ही धान का खेती करेंगे बस, तले बाकी समय वो ज़मीन पड़ती रहता है, ऐसे ही खाली रहता है। वैसे ही एक ज़मीन उसको मिला। वो लड़का को अपने घर से करीब 1 किमी दूरी पर वो ज़मीन मिला, यानी कुछ एक व्यक्ति है गांव में ही, तो वो गांव में यानी मौसमी खेती करता था, यानी बारिश के समय वो व्यक्ति यानी सब्जी का खेती करता था और बाकी समय वो यानी उसका ज़मीन था उसको ऐसे ही छोड़ देते थे परती। तो उसी ज़मीन को वो लड़का लीज में ले लिया, यानी ज़मीन को वो पशुपालन यानी करने के लिए कुछ मुर्गी पालन या पिग फार्म के लिए वो ज़मीन को लीज में ले लिया। वो व्यक्ति अपने ज़मीन में अपने खेत में गेहूं का खेती करता था, साल में एक बार गेहूं का खेती करता था, यानी ठंडे का मौसम वो गेहूं की खेती करता था, तो एक ही समय वो खेती करता था गेहूं का। तो गेहूं का खेती करता था वो खेत में, तो उसको यानी गेहूं निकलता था उसके खेत में करीब 5 क्विंटल, यानी एक खेत में वो व्यक्ति 5 क्विंटल का गेहूं उगाता था एक खेत में। तो एक खेत में साल में 5 क्विंटल होता था गेहूं एक खेत में, तो वही खेत को वो लड़का यानी लीज में ले लिया। तो 5 क्विंटल के हिसाब से वो लीज में ले लिया वो लड़का, जैसे 5 क्विंटल का जो रेट है यानी गेहूं का रेट है वो हिसाब से वो व्यक्ति यानी उस लड़का को दे दिया लीज पर। मान के चलो गेहूं का रेट करीब 20 रुपये है, यानी 20 रुपये नहीं होता है, जैसे 15 से 16 17 18 इस तरह से रेट होता है गांव घर में, तो वैसे ही 20 रुपये के हिसाब से अगर 5 क्विंटल को देखो तो 10,000 होता है, यानी साल में एक साल में 10,000। यानी उस खेत में जो खेत में उस खेत का जो लीज है करीब वो व्यक्ति को वो लड़का यानी 10,000 देता, यानी अभी भी वो खेत में वो लड़का यानी जो मुर्गी पालन और ये गाय पालन कर रहा है, तो यानी साल में 10,000 उस व्यक्ति को देता है वो लड़का लीज। वो लड़का मुर्गी पालन ज्यादा करता है, देसी वाला मुर्गी पालन, गाय बस 2-3 ऐसे कम रखा है, बाकी जो जगह है वो बाकी जगह में वो मुर्गी पालन करता है। वो लड़का जितने जमीन लीज पे लिए वो सारे जमीन को कवर कर दिए, यानी बाउंड्री मार दिए, जो शेड बना दिए सारे जमीन को, यानी जितने वो लीज में लिए थे वो सारे जमीन को शेड बना दिए, शेड के अंदर ही वो यानी मुर्गी पालन और गाय पालन करता है। यानी यूं कहें कि वो लड़का बस पूंजी लगाया है, जो केरल से जो 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए कमा के लाए थे उसको वो पूंजी डाल दिए वो मुर्गी पालन में। जो गाय पालन है मुर्गी पालन उसको देख रेख उसके घर वाले करते हैं, जो उसके घर में माँ बाप है वही लोग करते हैं देख रेख मुर्गी को और गाय को, यानी उस लड़के को अपने घर वाले को भी साथ मिला
मिला तो इससे वो अपने और लीज में यानी जमीन और लीज में और जो पशुपालन ये जो मुर्गी पालन है बत्तख पालन सबको और बढ़ाने को सोच रहा है और बढ़ा ही रहा है। वो लड़का अब बाहर काम करने नहीं जाता है, वो अपने घर पर ही 20-25 हजार रुपए महीने आराम से कमा लेता है मुर्गी बेचकर। वो लड़का बोलता है अभी उसके फार्म में करीब 1000 देसी मुर्गी है।